नमस्कार दोस्तों। हम हिमाचल जीके की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक परिचय आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वह 30 डिग्री 22 मिनट से 33 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है, और 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर, जिसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी भौगोलिक स्थिति है। हम मैप के माध्यम से देखते हैं, देखो हमारी जो है उत्तरी अक्षांश की तरफ हम जाते हैं, उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 22 मिनट से 30 डिग्री 22 मिनट से उत्तरी अक्षांश शुरू होता है और 33 डिग्री 12 मिनट में खत्म हो जाता है, जो कहाँ पे हमारी बाउंड्री लगाता है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ, लाहौल स्पीति के साथ बाउंड्री लगती है। और शुरू कहाँ से होती है, सिरमौर से शुरू होती है, सिरमौर से शुरू होके और लाहौल स्पीति में खत्म हो जाती है उत्तरी अक्षांश को तरफ को जाते हुए, और पूर्वी देशांतर की तरफ को, जिसको हम लॉन्गिट्यूड लाइन्स बोलते हैं, यहाँ से और यहाँ तक, कहाँ से किया हमारा जिला पड़ता है कांगड़ा, और पूर्वी देशांतर का जो अंतिम जिला पड़ता है वो पड़ता है हमारा किन्नौर। देखो ये किन्नौर है और ये कांगड़ा है, ठीक है। ये कहाँ से 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट तक, इसको एज इट इज याद रखना, क्योंकि एमसीक्यू में कंफ्यूज कर देते हैं, यहाँ पे 12 लिख देंगे, यहाँ पे 22 लिख देंगे, तो फिर आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है, ओके। चलो देखते हैं और क्या क्या है हमारे भौगोलिक स्थिति में। देखिए इसकी पूर्वी दिशा में स्थित है तिब्बत देश, पूर्व में हमारा तिब्बत है, पूर्व देखो ये होता है, ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा पूर्व, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ उत्तर, ठीक है, ये हमारा दक्षिण साउथ, ये हमारा वेस्ट पश्चिम, ठीक है। तो हमारे पूर्व में क्या है तिब्बत देश, उत्तर में क्या है, उत्तर में हमारा जम्मू एंड कश्मीर जे एंड के, ठीक है, और साउथ में क्या है हमारा हरियाणा राज्य, ठीक है, और यहाँ पे क्या है उत्तर दक्षिण साउथ साउथ ईस्ट में हमारा क्या पड़ता है उत्तराखंड, और यहाँ पे क्या पड़ता है हमारा वेस्ट में हमारा पंजाब पड़ता है, ठीक है, पंजाब पड़ता है, यहाँ लिखा भी है, देख लीजिए। देखो उत्तर में हमारा पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर, दक्षिण पूर्व में पड़ता है हमारा उत्तराखंड, और दक्षिण में क्या है हरियाणा पड़ता है, और हमारा जो है पश्चिम दिशा में क्या पड़ता है पंजाब क्षेत्र पड़ता है, इसको याद रखना। देखिए अब मैप के साथ देखते हैं कौन सी बाउंड्रीज टच करती है। देखो जम्मू एंड कश्मीर के साथ क्या टच करता है, हमारे दो जिले टच करते हैं, कौन से हमारे चंबा और लाहौल एंड स्पीति, ठीक है, लाहौल एंड स्पीति, और देखो ये सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया भी है हमारा, जो हमारा किस हमारे हमारी किसी राज्य के साथ हमारी जो है बाउंड्री टच करती है, सबसे ज्यादा बाउंड्री यही वाली टच करती है, कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर के साथ। अब हम उत्तर में देखते हैं, उत्तर में क्या है हमारा तिब्बत देश, सॉरी पूर्व में कौन सा है हमारा तिब्बत देश, और कौन सी जिले जो है हमारे टच करते हैं, हमारे करते हैं लाहौल स्पीति और किन्नौर। अब हम देखेंगे साउथ ईस्ट में, मतलब दक्षिण पूर्व में जो है हम देखेंगे कौन सा टच करता है उत्तराखंड, कौन से तीन जिले टच करते हैं, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे कितने, एक दो तीन, कौन से सिरमौर शिमला और कांगड़ा उत्तराखंड के साथ कितने तीन जिले टच करते हैं, है ना। और देखेंगे हम पंजाब के साथ, देखो कितने जिले टच करते हैं पंजाब के साथ, हमारे सबसे ज्यादा जिले टच करते हैं, कौन से, एक दो तीन चार पांच छह, पंजाब के साथ कितने छह जिले टच करते हैं, कौन से देखो सिरमौर हुआ हमारा, सोलन हुआ और हमारा बिलासपुर हुआ, हमारा ऊना हुआ और कांगड़ा हुआ और हमारा चंबा हुआ, छह जिले जो है हमारे किसके साथ टच करते हैं, ये एमसीक्यू में आता है तो आप इसे नोट कर लेना, हमारे पंजाब के साथ छह जिले टच करते हैं, उत्तराखंड के साथ तीन और तिब्बत के साथ दो और जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी दो, ठीक है, आप इसको याद रख लेना। अब हम देखेंगे हमारे ये देखो इनमें कौन सी चोटियां हैं, ठीक है, इन चोटियों की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है और ये जो है हमारे किस तरह से हमारी ये पर्वत श्रृंखला बनी, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो इन चोटियों की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 350 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक जो है इनकी हाइट जाती है, ठीक है, हमारे जो हिमाचल में जो भी पर्वत चोटियां हैं वो 350 से लेकर 7000 मीटर तक की हाइट तक जाती है, ठीक है।
इस समय हिमाचल प्रदेश का जो है भौगोलिक क्षेत्र, जो क्षेत्रफल जो है हमारा कितना है, 55,673 वर्ग किलोमीटर। ये सभी को ही पता होगा क्योंकि बहुत बार जो है ये हमारे एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड तथा पूर्व में तिब्बत के साथ लगती हुई सीमा की लंबाई जो है 1,170 किलोमीटर है। किसके किसके साथ, देखो उत्तराखंड और पूर्व में दोनों को मिला दो, उत्तराखंड और तिब्बत के साथ बताई गई है उत्तराखंड। पर हम तिब्बत के साथ याद रखेंगे कि तिब्बत के साथ ही हमारी जो है कितनी कितना एरिया जो है हमारा टच करता है। ठीक है, कौन कितना एरिया टच करता है, देखो 200 किलोमीटर से लगभग 200 किलोमीटर के लगभग जो है हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ जो है हमारी बाउंड्री टच करती है, ये जो है हमारी तिब्बत के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना कि जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज है हिमाचल की वो कितनी है, 200 किलोमीटर है, इसको याद रख लेना। ठीक है, अच्छा हम थोड़ा सा भौगोलिक क्षेत्र का ये देख लेते कि किस तरह से हमारा लैंडफॉर्म तैयार हुआ, किस तरह से हमारे पहाड़ बने, किस तरह से ये सब चीजें हुई। तो कैसे बने, देखो सबसे पहले क्या होता था, एक पेंजिया होता था, हम उसको पेंजिया बोलते थे। ठीक है, बहुत एक पूरा भूखंड था, पूरी की पूरी एक भूमि थी। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, वो टूट गया। टूट गया तो दो दरारें होगी, एक भाग ऊपर चला गया, एक भाग नीचे आ गया, बीच में क्या हो गया, टैथियास सी बन गई। ठीक है, बीच में टैथियास सी बन गई और नीचे ऊपर वाले पार्ट को बोला लॉरेशिया, लॉरेशिया। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को क्या बोल दिया, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड बोल दिया। ठीक है, गोंडवाना लैंड, ऊपर को लॉरेशिया बोल दिया। तो अच्छा, गोंडवाना पार्ट फिर से टूटा, गोंडवाना पार्ट टूटा, इससे क्या हुआ, साउथ अमेरिका बन गया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट बन गया। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जब एक भाग टूटा, वो जब अपने महाद्वीप से ये वाला भाग टूटा तो ये ऊपर की तरफ को आने लगा, ऊपर की तरफ को आया तो लॉरेशिया से जब टकराया, जब लॉरेशिया से ये टकराया तो क्या हुआ, एक माउंटेन, हिमालय माउंटेन बन गया, फोल्डेड माउंटेन, सबसे यंग माउंटेन भी बोला जाता है इसको, यंग माउंटेन भी बोला जाता है। ठीक है, यंग माउंटेन बन गया, कौन सा, हिमालय, जिसको हम ग्रेटर हिमालयास बोलते हैं, ग्रेटर हिमालयास बन गया, फोल्डेड माउंटेन बन गया। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा भी है क्या हुआ, देखो 10 करोड़ वर्ष पूर्व भारत अपने अन्य महाद्वीपों से, देखो यहाँ से अन्य महाद्वीपों से, द्वीप भाग से अलग होकर पुराने टैथियास की ओर 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़कर एशिया से टकराने जा रहा था। एशिया महाद्वीप तक पहुंचने और प्रथम टकराव में उसे 6 करोड़ वर्ष लगे और 6,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। इस टकराव के साथ हिमालय का जन्म आधुनिक लद्दाख लाटो नामक स्थान पर हुआ। कहां पे हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पे हुआ, LATO, लाटो, लाटो में जो है हमारा हिमालय का जन्म का पहला पड़ाव शुरू होता है, यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारा टकराया था। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे कि हमारे कौन से जब वो टकराया तो कैसी कैसी माउंटेन रेंजेस बनी, कौन सी माउंटेन रेंजेस बनी, किस तरह से बनी। ठीक है, तो कौन सी माउंटेन रेंजेस बनी, तीन तरह की माउंटेन रेंजेस बनी, जिसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया, जिसको हमने सबसे पहले बोला लोअर हिमालयन रेंजेस, जिसको हम शिवालिक भी बोलते हैं, दूसरी बनी मिडल हिमालयास, तीसरी बनी ग्रेटर हिमालयास। तो सबसे पहले ग्रेटर, फिर मिडल, फिर लोअर, इस तरह से। पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे शिवालिक हिल्स, जिसको हम लोअर हिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, शिवालिक हिल्स और लोअर हिल्स बोलते हैं। तो देखो इनकी हाइट जो है हम बोलते हैं 350 मीटर से 1500 मीटर तक, जो भी पहाड़ियां हमारे हिमाचल प्रदेश में है वो हम किसमें काउंट करते हैं, किसमें लेते हैं, वो लेते हैं हम शिवालिक में। ठीक है, शिवालिक में, शिवालिक हिल्स में लेते हैं। ठीक है, देखो अब हम क्या बोलते हैं, शिवालिक का नाम हमारे हमें हमारे हमारे को कहां से मिला, शिव की अलकाश यानी शिव की जटाओं से। ठीक है, और इसका पुराना नाम मेनाक पर्वत भी था, मेनाक पर्वत, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, शिवालिक हिल्स को और क्या कहते हैं, मेनाक पर्वत कहा जाता है। इसको मोलाक से कंफ्यूज मत करना, मोलाक जो हम बोलते हैं धौलाधार रेंज जिसको बोलते हैं। ठीक है, पर चलो आगे आएगा, आपको एक बार रिमाइंड और करवा दूंगा, पर आप इसको एक बार देख लो कि मेनाक पर्वत हम किसको कहते हैं, शिवालिक हिल्स को कहते हैं। तो हाइट हमने देख ली, इस श्रृंखला में क्या क्या आता है हम मैप के माध्यम से भी देखेंगे, पर आप एक बार जिले देख लो कौन से आते हैं, पूरे नहीं आते, निचले क्षेत्र, जो भी इन जिलों के निचले क्षेत्र है, लोअर हाइट में जो भी एरिया इन क्षेत्रों में होता है वो सारा जो है हमारा शिवालिक हिल्स में आता है। तो कौन से देखो, सिरमौर है हमारा, बिलासपुर है हमारा, हमीरपुर है, मंडी है,
ये इन सबके निचले क्षेत्र, और सिरमौर का देखो नाहन है, चंबा के भी निचले क्षेत्र, ऊना के भी, ऊना और कांगड़ा जिले के भी निचले भाग जो है हमारे किसमें आते हैं, शिवालिक हिल्स में आते हैं। और शिवालिक के तराई में पड़ने वाले क्षेत्र, देखो तराई में कौन से होते हैं, ऊना, जसवां, हलूण, धामी, नालागढ़, क्यारदा, दून की घाटियां, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के पश्चिमी भाग भी शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इसको मैप के माध्यम से देखेंगे। देखो यहाँ लिखा है, देखो चंबा का भटियात आता है, हमीरपुर का पूर्वी क्षेत्र आता है, मंडी का जोगिंदर नगर आ रहा है, मंडी का जोगिंदर नगर आ रहा है, सरका घाट आ रहा है, बलहा आ रहा है। मंडी के कौन से तीन तीन जगह आ रही है, बला, सरकाघाट, बला सरकाघाट और जोगिंदर नगर और सुंदर नगर भी। ठीक है, और सोलन से अर्की, कुनिहार सोलन से, और सिरमौर का मध्य भाग जो है हमारा किसमें आता है, हमारा शिवालिक हिल्स में आता है। तो देखो मैप में देख लेते हैं हम ये देखो हमारा भटियात वाला क्षेत्र आ गया चंबा का, और देखो ये देखो हमारा धर्मशाला का निचला क्षेत्र आ गया कांगड़ा में, हमीरपुर का आ गया, थोड़ा मंडी जोगिंदर नगर वाला सुंदर नगर वाला एरिया आ गया, सोलन का अर्की आ गया, बिलासपुर आ गया, ऊना आ गया, पूरा पूरा शिवालिक रेंजेस में आता है देखो। और हमारा सिरमौर का नाहन क्षेत्र आ गया, क्यारदा दून की घाटियां जो है हमारी सारी की सारी किसमें आती है, शिवालिक हिल्स में आती है। ये हमारा शिवालिक हिल्स है, लोअर हिल्स सारे हमारे जो है शिवालिक हिल्स में आते हैं, ये हमने बता दिया था आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे औसतन वर्षा कितनी हो रही है, औसतन वर्षा यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है ये वाले एरिया में, तो ये 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, इसको एज इट इज याद रखना कितनी वर्षा होती है हमारे शिवालिक हिल्स में, 1500 से 1800 मिलीमीटर। इस क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थल तो आपको लग ही जाएगा पता, जब आपको सारे जिले पता लग जाएंगे तो उनके जो निचले क्षेत्र है उसमें जैसे पौंटा साहिब आता है, नाहन आ रहा है, मंडी जिले का जोगिंदर नगर आ रहा है, ये हमने डिस्कस कर लिया है, पालमपुर, डलहौजी, भटियात, ये सारे के सारे चंबा जिले के। आप इनको जितना पढ़ोगे, बार बार जब आप पढ़ोगे तो आपको ये रिमाइंड हो जाएगा, आपको एकदम से क्लिक हो जाएगा कि देखो ये हमारा शिवालिक हिल्स में आ रहा है और ये हमारा जो है मिडल्स में आ रहा है। आप जितना इस पे बार 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 रिवीजन करोगे, ठीक है। इस क्षेत्र के सारे छोटे नाले, इस क्षेत्र में जो भी छोटे नाले उन्हें हम जो कहते हैं, जो या खड कहा जाता है, ठीक है, अक्सर बरसात के दिनों में यहाँ पे, बरसात के दिनों में ये भरे रहते हैं, ये जो चो खड्डे होती है बरसात में बहुत ज्यादा इनमें पानी रहता है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे जो फसलें होती है हमारी, धान है, गंदम है, मक्की है, सरसों है, तिल है, कहीं कहीं पे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे देखो जो निचले क्षेत्र में वहां पे हमारी कपास भी हो सकती है और हमारा गन्ना भी होता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये निचले क्षेत्रों वाले ही, मोस्टली निचले वाले क्षेत्रों में ही हो सकते हैं जो तराई वाले क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पे फल भी है, देखो कौन से है, आम, आम यहाँ का प्रसिद्ध है, नींबू, फल नींबू, और देखो यहाँ पे ऊना और बिलासपुर में एक स्पेशल टाइप की घास होती है जिसको हम बग्गड़ घास कहते हैं, और ये वाली घास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अखबार वाले कागज बनाने के लिए, ठीक है, अखबारी कागज बनाने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, तो ये बहुत बार एमसीक्यू में आ गया है कि कौन सी घास जो है अखबार के कागज बनाने में काम आती है, तो वो बग्गड़ घास है। ठीक है, अच्छा हम अगला देखते हैं, अब देखेंगे हम कौन सी, मिडल हिमालयास देखेंगे, मिडल हिमालयास की रेंज देखेंगे कितनी है। मिडल हिमालयास की रेंज हमारी है 1500 मीटर से 4500 मीटर तक लेते हैं, 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक लेते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम मिडल हिमालयास को क्या कहते हैं, लोअर इनर हिमालयास भी कहते हैं, मिडल मध्य हिमालयास बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इनर हिमालयास भी बोलते हैं, और मिडल हिमालयास तो नाम से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनर हिमालयास किसको कहा जाता है, हमारे मध्य हिमालयास को कहा जाता है, मिडल माउंटेन्स को कहा जाता है। ठीक है, इस श्रृंखला की ऊंचाई 1500 मीटर से 4500 फुट तक है, 4500 मीटर तक है, तो 4500 फुट से लेकर आप 3500 फीट तक भी ले सकते हैं, तो आप फीट में किसी भी चीज को फीट में कन्वर्ट करना है तो आप 3.28 से मल्टीप्लाई कर दो मीटर को, तो वो फीट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरह को इस तरह से ले सकते हो। अच्छा, इस क्षेत्र के जो है ना मुख्य श्रृंखलाएं, दो श्रृंखलाएं इसमें बहुत मुख्य है, मिडल हिमालयाज में ये दोनों श्रृंखला आती है, कौन सी धौलाधार, और दूसरी कौन सी आ रही है हमारी पीर पंजाल। ठीक है, यह पर्वत श्रृंखला धौलाधार, देखो यह पर्वत श्रृंखला बृहद हिमालय से बद्रीनाथ के, बद्रीनाथ हम मैप में भी देखेंगे, बद्रीनाथ के पास से ना ये ग्रेटर हिमालय से छूट जाती है, मतलब निकल जाती है, और ये हमारी सतलुज नदी को रामपुर से काटती हुई लारजी के पास से, आप देखोगे मैप को तो आपको लगेगा लारजी के पास से ब्यास नदी को काटती हुई शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, देखो शिमला,
कुल्लू कांगड़ा होते हुए चंबा के दक्षिण पश्चिम तक चली जाती है। दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट की तरफ को चल जाती है, साउथ वेस्ट। जैसे ये कांगड़ा है तो यहाँ से साउथ वेस्ट की तरफ से यहाँ से निकल जाता है, देखिए, जहाँ इसे रावी नदी भी काटती है। तो देखो तीन नदियां तो इसको काट ही रही है, देखो सतलुज काट रही है, ब्यास भी काट रही है और रावी भी काट रही है, तीनों। बड़ा बंगाल के पास इसका उत्तरी हिस्सा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से टकराता है और बर्फ से ढके रहने के कारण इसे हम श्वेत श्रृंखला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, श्वेत श्रृंखला, इसको क्या कहते हैं, हम श्वेत श्रृंखला भी कहते हैं और इसको मलाक पर्वत भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मैनाक से कंफ्यूज नहीं करना, मलाक, मलाक पर्वत भी कहा जाता है और श्वेत श्रृंखला भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, धौलाधार पर्वत को कहा जाता है। तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला से अलग हो जाती है। तो कहां पे होती है ये तो हमने पढ़ लिया था कि कहां से, कहां बद्रीनाथ के पास से छूट जाती है, तो अलग हो जाती है, ठीक है, मैप में भी देखेंगे अभी, ठीक है। इस श्रृंखला की, इस श्रृंखला में प्रमुख स्थल है कौन से, जिला सिरमौर, पछाड़, रेणुका। अब देखो सिरमौर का हमने नाहन किसमें लिखा बोला था, हमने बोला था शिवालिक में, पर पछाड़ एरिया जो सिरमौर का है वो किसमें आ रहा है, वो आ रहा है मिडल माउंटेन रेंजेस में आ रहा है, धौलाधार रेंजेस में आ रहा है, रेणुका आ रहा है, ठीक है। मंडी का, मंडी का देखो चच्चीओड़ गांव, करसोग, ये दोनों जिले जो कहा है मिडल हिमालयाज में आ रहे हैं। कांगड़ा का देखो कौन सा, कांगड़ा जिले का पालमपुर तहसील के ऊपरी भाग, इनके ऊपरी भाग जो है किसमें आ रहे हैं, हमारे मिडल हिमालयाज में आ रहे हैं। ऊपरी शिमला की पहाड़ियां, जिला चंबा की चुरहा तहसील की ऊपरी भाग, शिमला के दक्षिण में स्थित ऊंची चोटियां, जैसे चूड़धार, चूड़धार भी हमारे किसमें आता है, धौलाधार रेंजेस में आता है, जिसे चूर चांदनी के नाम से भी जाना जाता है, इसी क्षेत्र में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। और दूसरी श्रृंखला कौन सी है हमारी मिडल माउंटेन्स की, पीर पंजाल, इसके बारे में पढ़ लेते हैं फिर दोनों को मैप में देखेंगे। देखो रोहतांग और अन्य प्रसिद्ध दर्रे इसी श्रृंखला में स्थित है। अब आपसे पूछेंगे कि रोहतांग दर्रा किस श्रृंखला में आता है, तो हमारा पीर पंजाल श्रृंखला में आता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से मुख्यतः 3960 से 5470 मीटर तक उठ जाती है। ये देखो बोला तो उनको मिडल हिमालयाज में जाता है, पर देखो इनकी हाइट कहाँ तक जा रही है, 5470 मीटर तक उठ रही है, ठीक है। हिमाचल में मानवीय निवास यहाँ पे लगभग खत्म, कहाँ पे, पीर पंजाल श्रृंखला के पास मानवीय निवास ऑलमोस्ट खत्म, ठीक है। अब देखेंगे हम, ये जो है हमारी उठकर कुल्लू क्षेत्र के साथ भी हमारी ये सीमा बना रहा है और कांगड़ा क्षेत्र के उत्तरी, कांगड़ा क्षेत्र के उत्तरी भाग के साथ जो है हमारा पीर पंजाल श्रृंखला सीमा बना रहा है। तो देखिए मैप में देख लेते हैं हम, देखेंगे देखो सबसे पहले धौलाधार, धौलाधार को देखेंगे। देखो धौलाधार यहाँ पे उत्तराखंड में कोई बद्रीनाथ जगह है, ठीक है, यहाँ से बद्रीनाथ के पास से ये कट रही है और ये देखो हमारे रामपुर से होते हुए, देखो शिमला से होते हुए हमारे लारजी के पास होते हुए हमारे मंडी के साथ, कांगड़ा के साथ और दक्षिण पश्चिम से हमारी ये छूट रही है, ये पूरी की पूरी श्रृंखला है हमारी धौलाधार रेंजेस। तो आप इसको देख लेना कि कहाँ कहाँ से ये टच होके अपनी बाउंड्रीज लेके जा रहा है धौलाधार। अब साथ में हम पीर पंजाल भी देखें, ग्रेटर हिमालय से ये अलग हो रहा है, पर कहाँ से, कुल्लू के पास से अलग हो रहा है और देखो पीर पंजाल श्रृंखला जो है हमारी चंबा से छूट जाती है। तो आप इन दोनों को मैप के माध्यम से देखें और देखेंगे ग्रेटर हिमालयाज, अब ग्रेटर हिमालयाज कहाँ से है, यहाँ से है, ठीक है। ग्रेटर हिमालयाज लाहौल स्पीति के पर एरिया से गुजरते हुए हमारे चंबा से ऊपर से निकलते हुए आगे निकल जाते हैं। और देखो एक जास्कर रेंज भी है, इसको भी देख लो, जास्कर रेंज जो हमारी किन्नौर और तिब्बत के साथ बाउंड्री बनाती हुई जो है हमारी आगे निकल जाती है। तो आप इन तीनों को देख लेना मैप के माध्यम से और क्वेश्चनों को इस तरह से ही अटेम्प्ट करना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बृहद हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ग्रेटर हिमालयाज की हाइट कितनी है, हम ग्रेटर हिमालयाज की कितनी हाइट लेते हैं, बृहद हिमालयाज, बृहद हिमालयाज जिसको हम ग्रेटर हिमालयाज कह जाते हैं और अल्पाइन जोन भी कहे जाते हैं। अल्पाइन जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एप्पल इसी रेंजेस में मैक्सिमम होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम होते हैं, वैसे तो लोअर हिल्स में भी हो जाते हैं एप्पल, पर मिडल हिमालयाज में भी होते हैं, पर आप देख लो कि ये अल्पाइन जोन कहा जाता है इसे। यह पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा के साथ साथ चलती है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5000 मीटर से 6000 मीटर तक उठती है। 5000 से लेकर 6000 मीटर तक जितनी भी हाइट के जो पर्वत श्रृंखला चलती है वो सारी की सारी हमारी किसमें आती है, ग्रेटर हिमालयाज में आती है, ठीक है। इस क्षेत्र में वर्षा, देखो वर्षा बहुत कम होती है इस क्षेत्र में और जो है यहाँ की मिट्टी जो है सूखे फल, सूखे फलों के लिए, बादाम वगैरह के लिए जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ है,
बहुत ज्यादा उपयोगी भी है। ठीक है, बृहद हिमालय में हिमपात सामान्यतः देखो अक्टूबर माह से शुरू हो जाता है और देखो मार्च अप्रैल तक यहाँ पे ये एरिया पूरा का पूरा कटा रहता है, पूरा का पूरा कटा रहता है ये वाला एरिया। ठीक है, ये एरिया पूरा का पूरा हमारा किससे कटा रहता है, सामान्य जो भी हमारे मैदानी क्षेत्र से पूरा का पूरा एरिया कटा जाता है। तो इस क्षेत्र में बहुत सारे हमारे पासेस भी है, अगले लेक्चर में मैंने पासेस भी आपके साथ कवर करने हैं। तो देखो कौन से पासेस, साच है, चीनी दर्रा है, छोबिया है, कुब्ती है, ये हमारे देखो चंबा में है, रोहतांग, कुंजुम दर्रा, हामटा दर्रा, चंद्रखेरनी दर्रा जो है हमारा देखो लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति हमारे किसके साथ, कुल्लू के साथ बाउंड्री लगाता है पर हम इसको लाहौल स्पीति में इंक्लूड कर लेते हैं अभी के लिए, लाहौल स्पीति में है। तथा बारालच्चा दर्रा किन्नौर जिला में, तो हम इसको कवर करेंगे आगे। ठीक है, सुप्रसिद्ध इसमें और एक कौन सी श्रृंखला है, जास्कर श्रृंखला भी है, इसी क्षेत्र में पड़ती है, यह प्रदेश के अंतिम और पूर्वोत्तम पर्वत श्रृंखला है जिसकी स्थिति जो है किन्नौर और कश्मीर और तिब्बत के साथ लगती है। मैंने आपको अभी मैप में भी दिखाया था किन्नौर कश्मीर और तिब्बत के साथ जो है जास्कर रेंज हमारी टच होती है। तो सतलुज नदी जो है इसी श्रेणी से निकलती है, कहाँ से निकलती है, शिपकी से निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट इसको देख लेना, सतलुज नदी शिपकी से निकल रही है, इसी रेंज से निकल रही है। प्रमुख हिमालय पर्वत श्रृंखला और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच किन्नर कैलाश जिसकी हाइट, देखो ये जास्कर श्रृंखला में आती है जिसकी 6000 से ऊपर हाइट है ना सारी की सारी, वो तो किसमें आ रही है, जास्कर श्रृंखला 6500 मीटर है। और हमारा देखो सबसे ऊंची चोटी हिमाचल की जो है वो शिला है, वो कहाँ आ रही है, 7025 मीटर, किसी में आ रही है, इसी में ही आ रही है। तथा रियो फरव्यूल 6691 मीटर इसी क्षेत्र में आ रही है। जास्कर पर्वत श्रृंखला और मुख्य हिमालय पर्वत श्रृंखला में अनेक हिम नदियां भी है। ठीक है, जैसे लाहौल में चंद्रा नदी की पुष्टि करने वाला बड़ा शिखरी ग्लेशियर भी है। ये सारे की सारी चीजें हम ग्लेशियर पढ़ेंगे, हम सब कुछ आगे पढ़ेंगे तो ये सब चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, पर ये सारे के सारे हमारे ग्रेटर हिमालयाज में आ रहे हैं, ग्रेटर हिमालयाज और जास्कर रेंजेस में आ रहे हैं, जास्कर रेंजेस में आ रहे हैं। तो इसको इस तरह से याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है ना कई बार, तो आप उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको हर एक पर्टिकुलर पता होना कौन सा क्षेत्र किस एरिया में आ रहा है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।